नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आरडीए मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो बच्चे कमेंट करके पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि जितने भी टॉपिक अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके पसंद के अनुसार चल रहे हैं। आपको जो भी टॉपिक पसंद हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन जल्द ही, जैसे ही आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब हिंदी एक तरफ से पढ़ाई जाए, हम दो तीन बैच बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। एक तो आरओ एआरओ स्पेशल बैच होगा, अभी हमारी टीम विचार कर रही है कि बीएड स्पेशल बैच चालू किया जाए, और भी कई बैचेस हैं तो हम लोग उनको शुरू करेंगे कुछ दिन में। लेकिन तब तक आपकी पसंद के हिसाब से सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक टॉपिक जो बच्चों की पसंद है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सर रस टॉपिक पढ़ा दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में उनके जीवन में अब रस नहीं रहा। बोले सर जिंदगी क्या हो गई है, नीरस हो गई है, यानी जीवन से रस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, रस नामक टॉपिक पढ़ा दें। रस हिंदी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इससे पहले टॉपिक में मजा आएगा। बहुत सारी चीजें कठिन भी लगती हैं लोगों को, लेकिन हम लोग बिल्कुल एकदम फनी वे में मनोरंजक तरीके से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले हम रस से संबंधित सारे बेसिक क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ताकि ये ना लगे कि हमारा बेसिक छूट गया। क्योंकि हम कई बार देखते हैं बहुत सारी जगह पर रस में हम लोग डायरेक्टली रस पढ़ना शुरू करते हैं, रस से संबंधित बेसिक्स क्लियर नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रस से रिलेटेड एक एक बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अगली चीज। देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए रस क्या है, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि रस कहते किसे हैं, रस है क्या। तो जैसा हमें हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, रस, अब रस का मतलब तो आपको याद आ ही गया होगा। कई लोग रस से मिलता जुलता एक शब्द होता है, बोले सोमरस, और सोमरस में मोस्टली हम लोग यही तो कहते हैं, बोले पीता हूं गम भुलाने के लिए। अगर आदमी ने कहा पीता हूं गम भुलाने के लिए, यानी कि रस का पान करने से व्यक्ति के गम खत्म हो गए, यानी उसको क्या मिलने लगा, रस ग्रहण किया तो आनंद की अनुभूति हुई, यानी रस से हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। रस में हमें किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है। तो कई बार आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमें ये याद रखना है कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। इस ब्रह्मांड की ऐसी प्रत्येक वस्तु हमें जिससे आनंद की अनुभूति हो उसे ही रस कहते हैं। आई बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन की हिंदी क्या है, हिंदी हम बोलते हिंदी है, देख सुनते हिंदी है, पढ़ते हिंदी है, यानी हम हैं क्या, हिंदी वासी है, यानी हिंदी क्या था। अगर आपने पढ़ा होगा कि कई बार पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया कि पहले भाषा बनी या व्याकरण, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्याकरण से ही तो भाषा बनती है। गलत दोस्तों, सबसे पहले भाषा का विकास हुआ था, उसके बाद नियमों का विकास हुआ है, यानी पहले भाषा बनी है उसके बाद व्याकरण का विकास हुआ, यानी हम जो भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें व्याकरण के नियमों का समावेशन है। भले हम
कुछ ना करें, हमें नियमों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हम उन सारे नियमों का प्रयोग करते हैं जो हम हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे। यानी हमारे जीवन में रस है, अलंकार भी है, छंद भी है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सारी चीजें हैं, हमें सारी चीजें पता है, हम उनको डेली प्रयोग करते हैं, बस हम उनके नियमों के बारे में नहीं जानते। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका अध्ययन करेंगे नियमों का, रस का। यानी जैसा कि हमने कहा कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद है। यानी ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसमें आपको आनंद मिले उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आप देखते हो हमारे हमारे आपके बहुत सारे मित्र हैं, आपके मित्र क्या होता है, दो लड़के होते हैं, एक लड़का है एक लड़की। अब उसको किसी लड़के को लड़की क्या होता है, लड़की से बतियाने में क्या मिलता है, रस। आप देखो रात को कोने में कहीं छुपा पड़ा हुआ लगा हुआ है, उसको क्या मिल रहा है, रस मिल रहा है। 2 बजे ठंडी में कांप रहा फिर भी फोन से बतिया रहा, क्या मिल रहा है, रस मिल रहा है। यानी उसे क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। उसे किसी भी लड़के को किसी लड़की से बात करने में किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। पिताजी ने खूब कूटा, बोले कल से तुम्हारा मिलना बंद, बातचीत बंद, और इतने कूटे जाने के बाद, इतना मार खाने के बाद फिर भी वो उससे बात करता है बेटा, किसके चक्कर में, आनंद के चक्कर। अगर आनंद मिल रहा है तो आदमी लाख यातनाएं भी बर्दाश्त करता है। यानी कि ऐसी आपको अब समझ में आया होगा कि ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा आपको कहां कहां रस मिलता है, अब रस भी क्या होता है, हम लोग नॉर्मली रस की बात करें तो रस भी दो टाइप के होते हैं। सामान्य रूप से रस दो टाइप के होते हैं, एक भौतिक रस होता है और एक साहित्यिक रस होता है। एक भौतिक रस है और एक साहित्यिक रस है। अब हम देख रहे हैं कि रस क्या है, तो हमने कहा एक भौतिक रस होता है और एक साहित्यिक रस है। भौतिक और साहित्यिक रस में क्या अंतर है, तो अगर आप देखोगे भौतिक का मतलब होता है ब्रह्मांड की ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसको हम देख और छू सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं। यानी कि जो हम लोगों के पास रस की वह अवस्था जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो कौन सा होता है, भौतिक रस होता है, जिसे देखा या छुआ ना जा सके सिर्फ महसूस किया जाए वही क्या होता है, साहित्यिक रस। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, लेकिन जो साहित्यिक रस है उसे सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा जिसे देखा या छुआ जा सके भौतिक रस, जिसे देखा या छुआ ना जा सके साहित्यिक रस। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा भैया गन्ने का रस किस प्रकार का रस है, भौतिक रस है। आम का क्या होता है, हम लोग जूस पीते जो रस है वो कौन सा है, भौतिक रस है। सोम रस यानी आप मदिरा बात करें तो ये भी किस प्रकार का रस है, भौतिक रस है। लेकिन आप क्या हो जाए, आपको कोई पुस्तक पढ़ने में, आपको किसी कहानी को सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है वो कौन सा रस है, साहित्यिक रस है। वहां पर आप किसी को देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, लेकिन आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको एक आत्मिक भाव विभोर हो रहे हैं आप, तो वहां पर कौन सा होता है, साहित्यिक रस। तो बेसिक चीजें क्लियर हो गई, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। यानी ब्रह्मांड की ऐसी प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक कार्य जिससे हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो उसे रस कहते हैं। सामान्यता अगर देखा जाए तो रस की दो अवस्थाएं हो सकती है, एक भौतिक रस और एक
साहित्यिक रस जिसे देखा या छुआ जा सके उसे भौतिक रस कहते हैं और जिसे महसूस किया जाए उसे साहित्यिक रस कहते हैं। हम लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाएंगे? साहित्यिक रस से। अब ये नहीं पूछेगा भैया कि बोले भौतिक रस, बोले आम का जूस किसे कहते हैं, टेंशन में तो ये नहीं पूछेगा, गन्ने का जूस नहीं पूछेगा, आपसे सोमरस नहीं पूछेगा, आपसे साहित्यिक रस पूछेगा। यानी हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? साहित्यिक रस का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम सब साहित्यिक रस में एक एक पॉइंट देखते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक होगा लेकिन सिर्फ एंजॉय करिएगा, आराम से पूरा पढ़िए, मजा आएगी। बेसिक थोड़ा हमेशा बोरिंग होता है लेकिन जैसे ही रस शुरू होगा वैसे ही आपको आनंद होगा और अनुभव होगा कि वाकई में रस में मजा आती है। ठीक, तो देखते हैं। तो हमने कहा जैसे रस, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? साहित्यिक रस। हम लोग छोटे छोटे होते थे, बहुत सारे कई बार हम लोगों ने सुना गांव में कि देखा एक बुजुर्ग तीन चार महिलाओं से बतिया रहे और बगल वाले आए बोले देखो क्या होता है कि क्या होता है बुजुर्ग आदमी, बोले बुढ़ा हो गया लेकिन देखो कैसे रसिया रहा है। बोले क्या हो गया? रसिया रहा है। अब हमको समझ ही नहीं आया कि रसियाना क्या होता है। बोले बाबा बड़े रसिया है, समझे नहीं आया रसिया क्या है। लेकिन बाद में चला कि रसिया क्यों कहा गया, वो पांच महिलाओं से बैठकर बतिया रहे थे, हमने उन्हें रसिया कह दिया। रसिया क्यों कहा ये समझ ही नहीं आया आपको? इसका मतलब ये है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो बाबा है, उनको महिलाओं से बतियाने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और इसीलिए हमने उनको क्या कहा कि बाबा बड़ा रसिया है। कई बार हम बोलते हैं बड़ा रसिया टाइप का आदमी है, कहो बातों में लग जाएगा तो फिर लगा ही रहेगा, यानी उसको क्या मिल रहा है बातों से? आनंद मिलता है। जैसे तुम लोगों को रात में दो दो चार चार बजे तक कोने में घुस के बउआ बाबू सोना करने में आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही अन्य लोगों को किसी अन्य कार्य में भी आनंद की अनुभूति। अब आपसे पूछा गया कि रस के जनक कौन है, तो हम लोग देखते हैं रस से संबंधित बेसिक देखते हैं। तो पहली बार अगर आपसे किसी ने पूछा कि रस के जनक कौन है तो हम तुरंत बताते हैं कि रस के जनक कौन है? भरत मुनि। रस के जनक कौन है? भरत मुनि। अब यहां पर हमें क्लियर हो गया कि रस का जनक किसे कहते हैं? भरत मुनि को कहते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख, या कई बार पूछ लेता है रस पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है, या रस का उल्लेख किस पुस्तक में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि रस का उल्लेख किस पुस्तक में हुआ था? नाट्य शास्त्र में। रस का उल्लेख किस पुस्तक में हुआ? तो नाट्य शास्त्र में हुआ था। यानी क्लियर है रस के जनक कौन है? भरत मुनि। रस का उल्लेख कहाँ पर हुआ? नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि रस के क्या था? भरत मुनि रस के जनक हैं लेकिन नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भी कौन है? भरत मुनि। यानी नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भरत मुनि ने लिखी। क्वेश्चन और भी पूछेगा आपसे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? आठ होती है। यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आठ है। इसी से आपको कई तरह के घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा। हमने कहा थोड़ा बोरिंग क्या था, लंबा होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, ये गारंटी है कि इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आराम से धैर्य से पढ़िए और इंजॉय करिए। हमने कहा भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? आठ होती है। तो क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? आठ हो जाएगी।
जाहिर सी बात है कि इसके लेखक कौन है, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, यही क्वेश्चन फिर, नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, तो नाटक में भी रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन यहीं से आगे देखो, पूछेगा भरत मुनि के अनुसार या नाट्य शास्त्र के अनुसार स्थाई रस में स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव कितने हैं, 8 है। नाट्य शास्त्र में स्थाई भाव कितने हैं, 8 है। यानी भरत मुनि के अनुसार रस कितने, 8। तो स्थाई भाव कितने हो जाएंगे, 8। क्योंकि आप जानते हैं जितने रस होते हैं उतने ही स्थाई भाव, यानी प्रत्येक रस का एक स्थाई भाव होता है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि नाट्य शास्त्र में रस कितने, 8। नाटक में रसों की संख्या 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। भरत मुनि के अनुसार स्थाई भाव 8। नाटक में स्थाई भाव 8। नाट्य शास्त्र में स्थाई भाव 8। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। आगे देखते हैं, अब आपने पढ़ा कि यहाँ तो 8 ही रस हैं और हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस कितने होते हैं, रसों की संख्या कितनी है, तो हम लोग हमेशा आंसर देते हैं कि रसों की संख्या 9 है। यानी हिंदी में रस कितने हैं, हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, 9 है। तो फिर हमें सब ये समझना पड़ेगा कि साहित्य में जो 9वां रस जोड़ा गया, 8 रस किसने दिए थे, भरत मुनि ने दिए, 9वां रस किसने दिया, आपसे पूछा गया कि 9वां रस किसे कहेंगे, तो साहित्य में 9वां रस कौन सा जोड़ा गया, तो ये 9वां रस है। तो साहित्य में जो 9वां रस जोड़ा गया वो कौन सा था, शांत रस। साहित्य में जोड़ा गया 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि साहित्य में जोड़ा गया 9वां रस कौन सा है, तो साहित्य में जोड़ा गया 9वां रस शांत रस है। अब पूछ लेगा क्वेश्चन कि शांत रस को साहित्य में जोड़ा किसने, या शांत रस के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है शांत रस को साहित्य में अभिनव गुप्त ने जोड़ा था। किसने जोड़ा भैया, अभिनव गुप्त ने जोड़ा। यानी साहित्य में शांत रस को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है, अभिनव गुप्त को। इसी को अथवा हम ये कह सकते हैं कि जो शांत रस का जनक है वो कौन है, अभिनव गुप्त। अब हमने कहा, किसी ने क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था किसी अपर एग्जाम में कि पूछा गया शांत रस को कहां से लिया गया है। अब शांत रस को कहां से लिया गया, तो हमने कहा शांत रस को विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। शांत रस को कहां से लिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। और इसके लेखक कौन है, शांत रस के यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है, तो मार्कंडेय ऋषि। क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि यानी कि कुल रस की संख्या कितनी है, 9 रस है, और 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। शांत रस को साहित्य में किसने जोड़ा था, अभिनव गुप्त ने। शांत रस का जनक किसे कहेंगे, अभिनव गुप्त को कहेंगे। शांत रस को किस पुस्तक से लिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है, तो मार्कंडेय ऋषि। आई बात समझ में। अब कई बार ये तो प्रमाणिक रस हो गए, हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा आंसर नौ ही देते हैं, लेकिन अगर देखें तो मोस्टली किताबों में हम लोग पढ़ते कितने हैं, 10 रस पूछते हैं। यानी 11 रस आजकल तो हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि
क्या होता है, टोटल कितने पढ़ लेते हैं 11, लेकिन खास खास अगर देखें तो हम कितने पढ़ते हैं 10 रस, यानी कि जो साहित्य में जो 10वां रस कौन सा है और 11वां रस कितना है। फिर कह रहे हैं आंसर हमेशा कितना आएगा 9, स्थाई भाव की संख्या कितनी होगी 9। अगर पूछे रस में स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है तो आंसर हमेशा कितना होगा 9, रसों की संख्या कितनी है 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, स्थाई भाव भरत मुनि के अनुसार 8, नाटक में स्थाई भाव 8, नाटक में रसों की संख्या 8, लेकिन हम पढ़ कितने रहे 2 और अलग से पढ़ रहे हैं। ये भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो साहित्य का 10वां रस है, 10वां रस जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा है, वात्सल्य रस। 10वां कौन सा हो गया, वात्सल्य रस हो गया। और वात्सल्य को कई किताबों में अगर देखा जाए मूल रूप से कि माना जाता है वात्सल्य रस को साहित्य में जोड़ने का श्रेय जाता है सूरदास को। किसको श्रेय जाता है, सूरदास, यानी वात्सल्य रस को किसके आता, किसने जोड़ा, तो सूरदास ने जोड़ा। और 11वां रस कौन सा है, भक्ति। लेकिन आप फिर हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ये 10वां और 11वां रस अप्रमाणिक है, प्रमाणिक सिर्फ कितने हैं 9। तो 11वां रस कौन सा है, भक्ति रस है। और इसको क्या होता है, किसने जोड़ा था, तो कुछ किताबों में मतभेद है, कुछ पुस्तकें मानती हैं कि इनको वल्लभाचार्य ने इस रस को क्या होता है प्रचारित किया, और कुछ लोग मानते हैं कि इन्हीं के पुत्र विठल नाथ ने इसको प्रचारित किया। तो ये टोटल हम लोग रस क्या हो गए, साहित्य में कितने हो गए, पूछेगा 9, लेकिन 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस, और इसके जनक कौन है, सूरदास। 11वां रस कौन सा है, भक्ति रस, और इसके जनक के रूप में हमने कहा वल्लभाचार्य अथवा क्या होता है विठल नाथ को लेके चलते हैं। ये तो बेसिक हो गया रसों की संख्या के बारे में, यानी कि अगर अब आपसे रस पूछा जाए तो 9 प्रमाणिक हैं और 2 अप्रमाणिक हैं। टोटल आप लोग पढ़ेंगे कितने 11, लेकिन पेपर में आंसर कितने देना, हमेशा 9 देना है, ठीक। संख्या से कई बार प्रश्न पूछा गया है, आगे देखते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अगर हम देखें जैसे कई बार पूछा जाता है आपसे पेपर में, क्वेश्चन पूछता है कि रसराज किसे कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया कि रसराज किसे कहते हैं, ये पूछ लिया गया रसराज ना पूछा गया, तो हमने कहा मान लो ये पूछ ले सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहेंगे। रसराज नहीं पूछा गया तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहेंगे। अगर ये भी ना पूछे तो अगला क्वेश्चन पूछेगा उस रस को क्या कहेंगे जिसके दो भेद होते हैं, यानी वह कौन सा रस है जिसके दो भेद होते हैं। अब यह क्वेश्चन और पूछ ले क्वेश्चन अथवा करके और दूसरा पूछ सकता है, यहीं से आगे बढ़ेगा कि पूछेगा बिहारी किस रस के सिद्ध कवि थे, बिहारी किस रस के सिद्ध कवि थे। ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ये इतने सारे और पूछे गए हैं पेपर में, आप चेक कर लीजिएगा लगभग लगभग ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रसराज किसे कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं, या वह कौन सा रस होता है जिसके दो भेद होंगे, या अथवा बिहारी किस रस के क्या होता है सिद्ध कवि थे। तो इनसे क्वेश्चन बनेगा और इन सब का आंसर जितनी भी चीजें यहां से यहां तक लिखी है सब का आंसर एक ही होगा, कौन सा, श्रृंगार रस। यानी रसराज किसे कहेंगे, श्रृंगार रस को, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहेंगे, श्रृंगार रस को जिस रस के दो भेद होते हैं श्रृंगार रस, बिहारी किस रस के सिद्ध कवि थे श्रृंगार रस के,
लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रमाणिकता से थोड़ा सा बाहर आएंगे, ये प्रमाणिक रसों की बात है, नहीं तो अगर आपसे किसी ने पूछा तो वात्सल्य रस के भी दो भेद होते, जो भेद संकार के होते हैं वही वात्सल्य रस के होते हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ये वात्सल्य रस है, ये जो भक्ति रस है, इस दोनों रसों की उत्पत्ति किससे हुई है? श्रृंगार रस से, यानी इनकी उत्पत्ति किससे हो गई? श्रृंगार रस से हो गई। तो श्रृंगार रस के दो भेद कौन कौन से हैं? हम मानते हैं कि श्रृंगार के दो भेद संयोग एवं वियोग श्रृंगार होते हैं, यानी एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। तो वात्सल्य के भी कितने भेद होंगे? दो भेद, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। वियोग को ही कई बार पेपर में पूछ लेता, विप्रलम्भ रस किसे कहते हैं? विप्रलम्भ का मतलब ही होता है वियोग श्रृंगार। आई बात समझ में? ये हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे कई बार पेपर में पूछते हैं, पूछा गया वाक्यम रसात्कम काव्यम, यानी क्या हो गया? वाक्यम रसात्कम काव्यम किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा गया वाक्यम रसात्कम काव्यम। अब आपसे पूछ लिया गया वाक्यम रसात्कम काव्यम किसने कहा था, तो इसको किसने कहा था? पंडित विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात्कम काव्यम किसने कहा था? पंडित विश्वनाथ ने कहा था। और किस पुस्तक में कहा था? तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है साहित्य दर्पण। अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में पंडित विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्कम काव्यम, यानी इसका मतलब क्या हो गया? अगर देखें तो ये पहले डायरेक्टली समझो, यानी कि लाइन आपसे पूछी गई कि क्या होता है वाक्यम रसात्कम काव्यम, यानी वाक्य में अगर नॉर्मली पूछे तो रस का काव्य की आत्मा, या वाक्य में जो होता है रस होता है, रस को ही काव्य की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, डायरेक्टली पूछेगा पेपर में, वाक्यम रसात्कम काव्यम किसे कहते हैं? किसने कहा था? पंडित विश्वनाथ ने। किस पुस्तक में कहा था? साहित्य दर्पण में। बेसिक चीजें हैं रस से संबंधित, बहुत सामान्य चीजें हैं। इसी के आगे देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने रस की परिभाषा नहीं पढ़ी है, वो भी अभी हम बता देंगे, पहले आगे देखते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं पहले थोड़ी सी, क्योंकि परिभाषा भी क्लियर होनी चाहिए आपको। अब आपसे किसी ने पूछा कि रस किसे कहोगे, तो रस हमने तो नॉर्मली बता ही दिया कि ब्रह्मांड की ऐसी प्रत्येक वस्तु जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपको खुशी मिले, आपको आनंद की अनुभूति हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? रस कहते हैं। उसे ही क्या कहेंगे? रस कहेंगे। फिर भी साहित्यिक दृष्टि से हम देखते हैं, हमने कहा किसी काव्य को पढ़ने या लिखने में, पढ़ने या सुनने में, फिर समझना, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। कई बार आप देखते हो, हम लोग अचानक पुस्तक पढ़ते रहते हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं और मम्मी ने कहा बेटा इधर आओ, हमें इतना आनंद मिल रहा होता है, हम कहानी में इतने डूबे होते हैं कि कई बार कहते हैं मम्मी बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। क्यों हम ऐसा क्यों कहते हैं? कभी आपने विचार किया कि आपने कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर बाद जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है, आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं और इसीलिए आप वहां से नहीं जा रहे। आप मूवी देखते,
मूवी देखने में आप देख रहे होते हैं कोई क्या होता है, लव स्टोरी चल रही होती है या कोई थ्रिलर मूवी चल रही होती है, तो लव स्टोरी देख करके आप वहां से हिलते नहीं है, आप डूबते चले जाते हैं। कई बार देखते हैं महिलाएं रोने लगती हैं मूवी देख करके। वो रोने क्यों लगती हैं? क्योंकि उन्हें क्या होता है, महसूस होता है, यानी वो क्या होता है, चीजें महसूस करने लगती हैं। आप उसमें डूबते चले जाते हो तो वही क्या होता है, रस होता है। आई बात समझ क्लियर हो गया? तो बस आपको इतना याद रखना है, सामान्य रूप से किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। एक और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या था, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति, ये लिखा हुआ है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति, यानी क्या हो गया, यही लाइन आपके पेपर में लिखा होगा, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लाइन किस पुस्तक से ली गई है या इसके लेखक कौन है, या तो ये पूछेगा, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ ले कि कलियासर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में रस की उत्पत्ति का सूत्र कौन सा बताया था। ये किससे संबंधित है, रस की उत्पत्ति से संबंधित सूत्र है, रस की उत्पत्ति, यानी भरत मुनि के अनुसार रस की उत्पत्ति किस सूत्र के माध्यम से हुई। तो हमने कहा विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया, अर्थात यानी जहां पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का आपस में संयोग होता है तो इनके संयोग से मन में जागृत स्थाई भाव के रस रूप में परिणित हो जाने को ही रस कहते हैं। आई आवाज समझ में क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, यानी कि भरत मुनि के अनुसार, यानी भरत मुनि के अनुसार उन्होंने क्या रस की उत्पत्ति का सूत्र क्या दिया कि जहां पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संचार, व्यभिचारी का मतलब क्या हो गया, यानी कि संचारी भाव, व्यभिचारी का ही अन्य नाम क्या होता है, संचारी भाव, इन सब का जब आपस में संयोग होता है तो एक स्थाई भाव जागृत होता है, इसी स्थाई भाव के रस रूप में परिणित होने को ही क्या कहा जाता है, रस कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन और पूछ लेगा, पेपर में पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं, तो चार अंग होते हैं, कौन कौन से, विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव और स्थाई भाव। यही से क्लियर हो गया, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि रस के अंग कितने होंगे तो रस के चार अंग हो जाएंगे, पहला कौन सा होगा, विभाव हो गया, इसके बाद क्या हो गया, अनुभाव हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा आपसे देखा जाए तो इसके बाद व्यभिचारी या संचारी भाव हो गया, इसी को हम लोग व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं, और लास्ट में आपका क्या हो गया, स्थाई भाव हो गया। ये चार भाव हो गए, तो रस के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, और यही किसी भी व्यक्ति के हृदय में रस की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन
अगर आप बेसिक क्वेश्चन देखोगे तो इन्हीं से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे नॉर्मली पूछ लेगा कि विभाव के कितने भेद होते हैं, दो भेद। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो जायज की बात है आपको पता है 33 होती है। या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। आपसे पूछा गया स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, ऑलरेडी आपने शुरू में पढ़ा है कि स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये तो बेसिक हो गया, ये रस का बेसिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक रूप से रस कितने हो गए। तो रस में देखा जाए टोटल कितने हो गए, रस की पत्ती कैसे हुई, किस तरह से आगे, तो ये हम लोग देखते रहेंगे, आगे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।